ऐसी कल्पना को लेकर आ रही हूँ जिनके ऊपर एक नहीं दो नहीं तीन प्रदेशों का बोझ है, जिनके नाजुक कंधों पर वो पैदा हुई हैं आसाम में और वो लाडली हैं, प्यारी हैं यूपी और बिहार की। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा का जो एक संगम है और संगम की जो कल्पना होती है कि नदी जो है बिना किसी रुकावट के बहती चली जाए, वो सुरों को बिखेरती हुई आ रही हैं हमारी अपनी कल्पना। संगीत सुनने के बाद आपको सोफिस्टिकेशन छोड़ना पड़ेगा, रस्टिसिटी के ऊपर आना पड़ेगा। झलक देख ली आपने माटी के लाल के एक लाली की। सुपर। आपने देखा कि जब गाना चल रहा था तो उस वक्त जो ठुमका लग रहा था वो पूरी तरह से हिंदुस्तानी ठुमका। ये देखिए आनंद राज आनंद साहब पूरे चकाचौंध होके बैठे। जी भाई साहब क्या बोल रहे हैं आप? आज मुझे बेहद खुशी इस बात की अनु जी कि हम हमेशा सभी रियलिटी शोज में यूजुअली जो बातें करते हैं वो फ्रूट की बात करते हैं। फ्रूट मतलब जो फल, फल मींस बॉलीवुड लास्ट में आता है ना, लेकिन यहाँ रूट्स से हम जुड़े हुए हैं। इट इज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस और इसी तरह से हम समा बांधते रहे तो दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट शोज। राहत भाई जी, मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से इन्होंने गाना गाया है वो एक चकाचौंध करने वाला एक सिचुएशन थी। बहुत अच्छा गाया। इस प्रोग्राम का नाम है लक्स, जुनून कुछ कर दिखाने का, जहां फिल्म तो है लेकिन उसके बाद पहली बार किसी ने ट्राई किया है बेसिक रूट के संगीत को, फोक म्यूजिक को, माटी के लाल को, और उसके साथ मिलाया है सूफी के सुल्तान को। और इस स्पर्धा रची गई है इन तीनों सल्तनत, तीन जॉनर, तीन प्रकार के म्यूजिक को।
कोई भाषा समझे ना समझे इस गाने की, कई ऐसे भी प्रांत होंगे जहाँ नहीं समझी जाएगी, लेकिन एंटरटेनमेंट की जो परिभाषा है वो जरूर समझी जाएगी। अरे लैंग्वेज समझ में नहीं आए लेकिन ठुमका समझ में आता है। अनु जी मैं कोशिश करूंगी अगले बार लैंग्वेज भी समझ में आए। नहीं नहीं हमको समझ में आ गई। अरे उल्फत की तलैया माँ गोता न लगायो, उल्फत की तलैया माँ गोता न लगायो, ई कुइयां जी धारी बहुत जान लेस है। वाँ 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 वाँ। जी लाजी आज तो हमें ये लगत है अनु कि बचवा पहले ही हमार भोजपुरी के गाना में रपट गए। थैंक यू वेरी मच।